देखिए ये जो सरकार है समाधान नहीं निकालती किसी भी चीज का, और लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहती है। प्रजातंत्र में लाठी गोली से नहीं चलती, आपस में बातचीत से और समाधान निकाले जाते हैं। ये सरकार का कोई देख लो, कोई बात होगी जब भी लाठीचार्ज, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इसी प्रकार से जब ये बैठे हैं जब पंचायती राज वाले सरपंच वगैरह, इनके ऊपर लाठीचार्ज, भाई अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो ये बड़ी निंदनीय है। और इसी वास्ते हम सारे विधायक दल और हमारे पार्टी के प्रधान 6 तारीख को गवर्नर साहब से टाइम मांगा है हमने, 6 तारीख को मिलेंगे सोमवार को हम, और इस बात पे कहेंगे भी ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है ये सरकार में सिवाय घोटालों में। अब ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ई टेंडरिंग का मतलब पहले 2 साल तो पंचायत के इलेक्शन निकलाए, अब हो गई तो भाई इलेक्टेड बॉडी है ये, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, लोगों में चुने हुए, हम भी तो लोगों में चुने हुए हैं, तो लोगों में चुने हुए हैं, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि सुई नजर वो चला रहे हैं, उनको काम करने दे। पहले भी होता रहा, हमारे समय में इतने अच्छे काम हुए, कोई एक भी गली कच्ची नहीं है हमारे समय में भी। पंचायतों को पूरा अधिकार था, वही अधिकार होना चाहिए। दिक्कत ही है, एक घोटाले को अंजाम देंगे, जब मर्जी पोर्टल चला दो, जब मर्जी बंद कर दो, और अपने चॉइस के ठेकेदार होंगे वो, उनके गिनती के वो होंगे रस्से, तो ये नहीं है बात, गलत बात है ये, इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और पंचायत सरपंच हो, मेंबर पंचायत हो, पंचायत इलेक्टेड बॉडी है, उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरपंच भी जो है मुखिया है पंचायत, नहीं उनकी पार्टी का प्रधान कुछ कहता है, ये मंत्री कुछ कहता है, दूसरे कुछ कहते हैं, सब ज़्यादा मामला नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, उनकी डायरेक्शन लेस सरकार है, ये डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है, कोई डायरेक्शन ही सरकार का, डायरेक्शन एक हो तो उसमें कोई भी होगा सर, कोई लाइन लेनी पड़ेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपके बारे में, अजय चौटाला साहब के बारे में कि भाई उनको अपना काम देखें, संगठन हम चलाएंगे, मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है, कोई डायरेक्शन ही सरकार का, डायरेक्शन एक हो तो उसमें कोई भी होगा सर, कोई लाइन लेनी पड़ेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ओपीएस की आज मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आज चंडीगढ़ में, सर उसके लिए ये कहा गया, ओपीएस के जो प्रतिनिधि गए थे कि भाई तैयारी पूरी नहीं थी, हम बार बार मिलेंगे लेकिन समाधान अभी नहीं निकला। नहीं, सवाल इस बात का, मीटिंग की जरूरत क्या है? वो तो एक लाइन का फैसला है भाई, हम ओपीएस देंगे, ये सिर्फ जो है इनके समय पास करने की बात करें, नहीं तो सरकार का फैसला, हमारी सरकार कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने आपको विधानसभा में घेरने की कोशिश की थी, आपसे पूछा था वहीं विधानसभा पटल पे कि हुड्डा साहब ये बताइए कि ये बंद किसके राज्य में हुई थी? ये अटल बिहारी जी के समय में हुई थी, और फिर सब कांग्रेस ने किया था, बीजेपी की सरकार में यहाँ हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस ने अपलोड कर दी। एक चीज का तजर्बा है, वो तजर्बा ठीक नहीं है, फैसला होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी सत्ता वालों से बात करो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन ईयर होता है ना, लास्ट के 1-2 साल होते हैं, तो इस तरह के आंदोलन विपक्ष चलवाता है, जिस तरह से डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं लेकिन ये तो होता ही है कि लास्ट के दिनों में आंदोलन ही आंदोलन होता है। इस सरकार की, बीजेपी जेजेपी की सरकार की विफलता का एक वो है, लोगों में बड़े भारी रोष है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, और जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे, अब देखो ना जब ये इनका गठबंधन बना उस टाइम में कहता हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे, वो कहाँ है, कौन सा भाई, आज तक तो कोई दिया नहीं ना प्रोग्राम। आपके साथ 30 विधायक हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक और पार्टी है जो दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में बैठी है, वो अपने प्रोग्राम निकाल रही है, वो ये दिखा रही है कि भाई हम विपक्ष से ज्यादा, वो क्लेम करती है कि हम विपक्ष से ज्यादा होकर तमाम जो मुद्दे हैं हम उठाते हैं। वो तो हरियाणा में पता लग गया इनकी क्या है, आदमपुर से पता लग गया, एक चुनाव हुआ है तो सबको पता है, उसके कोई नहीं, लोग केवल अल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी की ओर देखेंगे।